everyone welcome वेलकम टू YouTube channel चैनल ऑडियो वर्स रिंग का नेशन ऑफ बिजनेस एट स्कूल चैप्टर पांच सौ इक्कीस उनके विमान में बैठने के बाद महिला शर्म से पानी पानी हो गई जब उसने देखा कि गुमान और वे पहली कक्षा में बैठे हैं अधिकांश लोग जो प्रथम श्रेणी का खर्च वहन कर सकते थे वे अमीर थे लेकिन उसने तब उन्हें बेवकूफों का झुंड कहा था विमान रनवे पर फिसल गया गुकविंग और गुमान ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया जब विमान अंता आकाश में उड़ गया तो उन्हें भारहीनता का एहसास हुआ लेकिन यह स्वीकार्य था जब तक विमान लगातार हवा में उड़ता रहा तब तक गुकविंग और गुमान को इसकी आदत हो चुकी थी लेंग शाउटिंग सुबह आठ बजकर तीस मिनट बजे सिटी जी के हवाई अड्डे पर पहुंचे उन्होंने एवेचेन को पहले से ही उनके लिए एक कार तैयार करने के लिए कहा लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ एवेचेन ने व्यक्तिगत रूप से यहां कार चलाई आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए लेंग शाउटिंग ने संदेह के साथ पूछा क्योंकि ए वेचेन आमतौर पर अपने सचिव को यहाँ कार चलाने के लिए भेजते थे ए वेचेन ने भारी आ भरी और त्याग भरे स्वर में कहा मैंने इसे ब्लाइंड डेट से बचने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया ब्लाइंड डेट्स वास्तव में कष्टप्रद थी फिर उन्होंने लेंग शाउटिंग की ओर देखा और मजाक किया आपका नाम वास्तव में उपयोगी है लेंग शाउटिंग ने कहा अब आप अट्ठाईस साल के हो गए हैं और शादी करने का समय आ गया है पहले लेंग शाउटिंग ने कभी शादी के बारे में बात नहीं की थी लेकिन अब वह काव्या से शादी करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दुर्भाग्य से काव्या बहुत छोटी थी मेरा बड़ा भाई अब तीस साल का है लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की है मुझे जल्दबाज़ी करने की जरूरत नहीं है एवेचिन ने सहजता से कहा लेकिन वह उदास और अकेला लग रहा था दरअसल वह भी शादी करना चाहता था लेकिन जिस महिला से वह शादी करना चाहता था वह उसे नापसंद करती थी और वह किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता था इसलिए उसे अकेले रहना पड़ा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि महिला अपने बड़े भाई को पसंद करती थी लेकिन उसका बड़ा भाई उसे नापसंद करता था लेंग शाउटिंग ने एक और शब्द नहीं कहा क्योंकि वह समझ गए थे कि ए वे एक कठिन स्थिति में थे और यह उनका अपना निजी मामला था ए वे ने भी इस विषय को जारी नहीं रखा क्योंकि उनके लिए इस बारे में बोलना दर्दनाक था ओह मेरा बड़ा भाई इन दिनों घर पर है यदि आपके पास कुछ खाली समय हो तो हम एक सभा कर सकते हैं काफ़ी समय हो गया है हमने साथ में शराब नहीं पी है जरूर अगर मैं खाली हूं तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा लेंग शाउटिंग ने कहा उसके बाद ए वे चले गए ए वे को यह नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई एवेशन वास्तव में उसकी तुलना में लेंग शाउटिंग के साथ बहुत अधिक समय बिताता था ए को केवल यह पता था कि एवेशन सेना में लेंग शाउटिंग के साथियों में से एक था लेकिन वह यह नहीं जानता था कि एवेशन भी रेड फ्लेम का सदस्य था और लेंग शाउटिंग के नेतृत्व का अनुसरण करता था रेड फ्लेम में सदस्यों को अपनी पहचान गुप्त रखनी पड़ती थी इसलिए उनके परिवारों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी सुबह करीब नौ बजे विमान सिटी जी के हवाई अड्डे पर उतरा एक बार जब काव्या ने अपना फ़ोन चालू किया तो उसने लेंग शाउटिंग का संदेश देखा उन्होंने कहा कि वह आगमन कक्ष में उनका इंतजार कर रहे थे काव्या ने बुकिंग और गुमान को पहले ही बता दिया था कि उसने सिटी जी में दो दिनों के दौरान उनके लिए कार चलाने के लिए एक निजी ड्राइवर को काम पर रखा था गुमन और गुकिंग ने नहीं सोचा था कि यह एक बुरा विचार था लेकिन काव्या अभी भी चिंतित थी क्योंकि लेंग शाउटिंग सिर्फ एक ड्राइवर बनने के लिए बहुत सुंदर थी इसके अलावा लेंग शूटिंग बहुत ठंडी थी और यह बुकिंग और गुमान को परेशान कर सकती थी काव्या नहीं चाहती थी कि उसके परिवार पर उसके बारे में गलत धारणा बने कुछ देर सोचने के बाद उसने गुकिंग और गुमान से कहा माँ चाची निजी ड्राइवर वास्तव में मेरा दोस्त है वह थोड़ा ठंडा है और अधिक मुस्कुराना या बात करना पसंद नहीं करता कृपया उस पर ध्यान न दे बिल्कुल नहीं गुमान और गुकिंग ने कहा आगमन हॉल में लेंग शाउटिंग काव्या और उसके परिवार के इंतजार में खड़ा था वह जहां भी जाता था हमेशा सुर्खियों में रहता था लेकिन उसे दूसरों की नजरों की परवाह नहीं थी क्योंकि अब उसे केवल काव्या की उपस्थिति की परवाह थी काव्या और उसके परिवार ने किसी भी सामान की जांच नहीं की इसलिए वे जल्दी से बाहर चले गए एक बार जब काव्या सामने आई तो लेंग शाउटिंग की नज़र उसके शरीर पर पड़ी और उसकी आंखों में स्पष्ट प्यार था काव्या ने एक सेकंड के भीतर लेंग शूटिंग को देख लिया और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि वह वा अपने वास्तविक रिश्ते को गुप्त रखें लेंग शूटिंग समझ गई कि उसके परिवार को यह बताना उचित नहीं होगा कि वे पहले से ही रिश्ते में थे क्योंकि काव्या बहुत छोटी थी इसलिए लेंग शूटिंग ने काव्या के प्रति अपने प्यार को तुरंत छुपा लिया हालांकि जब गुमन उसके पास आया तो उसे काफी घबराहट महसूस हुई जो बहुत असामान्य था जब काव्या गुकिंग और गुमन लेंग शाउटिंग के सामने रुके तो लेंग शाउटिंग ने गंभीर रूप धारण किया और सहज रहने की पूरी कोशिश की दूसरी ओर गुकिंग और गुमान उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति से दंग रह गए उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि काव्या का दोस्त एक अत्यंत सुंदर युवक था माँ चाची कृपया मुझे आपका परिचय कराएं यह मेरा मित्र है लेंग शाउटिंग आप उसे सीधे तौर पर शूटिंग कह सकते हैं काव्या ने कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा लेंग शाउटिंग ने गुमान और गुकविंग को बधाई दी लेंग शाउटिंग ने सहज होने की कोशिश की लेकिन यह बहुत स्वाभाविक नहीं लगा क्योंकि उन्हें ठंडे रहने की आदत थी और उनके लिए अपने व्यक्तित्व को तुरंत बदलना आसान नहीं था सौभाग्य से काव्या ने पहले ही अपने परिवार को उसके चरित्र के बारे में बता दिया था इसलिए गुकिंग और गुमान को इस पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई इसके अलावा लेंग शाउटिंग बहुत अच्छे दिखने वाले थे इसलिए गुकविंग और गुमान दोनों पर उनकी अच्छी छाप थी आपसे मिलकर भी अच्छा लगा हालांकि लेंग शाउटिंग समझ गए थे कि गुकिंग और गुमान को अभी तक नहीं पता था कि वह काव्या का प्रेमी था लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास पहले से ही उसके बारे में अच्छी धारणा थी तो उन्हें खुशी हुई आखिरकार आपके पास पहली छाप छोड़ने का दूसरा मौका नहीं था शुरुआत में लेंग शाउटिंग इस बात को लेकर बहुत उलझन में थे कि गुकिंग और गुमैन को कैसे संबोधित किया जाए क्योंकि वह गुकिंग का प्रेमी था लेकिन वे उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं थे इसलिए उसने उन्हें अभी संबोधित नहीं करने का फैसला किया और जब उन्हें काव्या के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो वह सीधे उन्हें अपनी माँ और चाची कहेगा बुकविंग और गुमान को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि लेंग शाउटिंग ने उन्हें कैसे संबोधित किया आओ चले कार ठीक बाहर खड़ी है लेंग शाउटिंग ने कहा और फिर उन्हें बाहर निकलने के लिए निर्देशित किया जिस कार से अवेचन उन्हें लेने के लिए यहाँ आए थे वह एक लैंड रोवर थी जो उनकी नज़र में सबसे कम ध्यान देने योग्य कार थी लेकिन बुकिंग और गुमन की नज़र में यह एक लग्जरी कार थी हालांकि उन्हें इसकी कीमत नहीं पता थी लेकिन यह की मर्सिडीज बेंज से अधिक महंगी होगी लेंग शाउटिंग ने काव्या के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले गुमन और गुकिंग के लिए कार का दरवाज़ा खोला बुकविंग और गुमन पीछे की सीट पर बैठे जबकि काव्या आगे वाली यात्री की सीट पर बैठी निगनिंग हमें पहले कहाँ जाना चाहिए लेंग शूटिंग ने काव्या की ओर देखा और पूछा लेंग शाउटिंग की प्यार भरी नजर ने काव्या के दिल की धड़कन बढ़ा दी वह अपने आप पर थोड़ी नाराज थी क्योंकि वह उसके साधारण रूप से आसानी से आकर्षित हो गई थी काव्या ने खुद को शांत किया अभी बहुत जल्दी है आइए पहले स्वच्छ जल नीले आकाश में आराम करें और कारखाने जाने से पहले हम दोपहर के भोजन के बाद जेड ब्यूटी ज्वेलरी स्टोर पर जा सकते हैं कोई बात नहीं लेंग शाउटिंग ने कहा और फिर हवाई अड्डे से चले गए रास्ते में लेंग शाउटिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या कहना है जब वे क्लीन वाटर ब्लू स्काई पहुंचे तो वे एक साथ काव्या के अपार्टमेंट में गए एक बार जब वे अपार्टमेंट में थे लेंग शाउटिंग चुपचाप सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे जबकि काव्या उनके लिए चाय बना रही थी शूटिंग तुम कहाँ से हो वो मान ने पूछा वह उसकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं कर रही थी बल्कि सिर्फ उसके साथ बातचीत कर रही थी फिर भी लेंग शूटिंग ने इसे अभी भी गंभीरता से लिया राजधानी क्या आप सिटी जी में काम करते हैं कुकिंग ने पूछा क्योंकि काव्या ने उन्हें बताया कि वह उसका दोस्त था न कि उसके स्टाफ में से एक लेंग शाउटिंग ने कहा नहीं मैं राजधानी में काम करता हूं लेकिन मैं अभी छुट्टियों पर हूं इसलिए मैं छुट्टी के लिए सिटी जी आया हूं उस समय लेंग शाउटिंग अपने बारे में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे हालांकि गुकविंग और गोमान दोनों ने पूछना बंद कर दिया जिससे लेंग शाउटिंग भ्रमित हो गए उन्होंने पूछना क्यों बंद कर दिया क्या इसलिए कि वे आज मेरे आचरण से संतुष्ट नहीं है दरअसल ये सब इसलिए था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो काव्या का बॉयफ्रेंड है कुछ मिनट बाद काव्या ने उनके लिए चाय के कप डाले और वे उसके बाद लिविंग रूम में चाय पीते हुए बातें कर रहे थे एक बार लेंग शाउटिंग की नज़र काव्या पर पड़ी सौभाग्य से बुकिंग और गुमान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि उनके बीच कुछ भी असामान्य था सुबह करीब ग्यारह बजे वे साथ में लंच करने निकले भोजन के दौरान गुमान ने लेंग शाउटिंग के कटोरे में कुछ व्यंजन डाले और धीरे से कहा शाउटिंग शर्माओ मत चूंकि आप निगरिंग के मित्र हैं इसलिए हम अजन भी नहीं हैं लेंग शाउटिंग एक सेकंड के लिए अवाक रह गया और अचानक उसे रोने का मन हुआ क्योंकि गुमान के दयालु व्यवहार ने उसे अपनी माँ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया क्या गलत तुम्हें व्यंजन पसंद नहीं है लेंग शूटिंग को कुछ पल के लिए चुप देखकर गुमन थोड़ा घबरा गया उसे डर था कि उसने कुछ गलत किया है नहीं नहीं लेंग शाउटिंग ने तुरंत समझाया मुझे बस अपनी माँ की याद आई जब मैं बच्चा था तो वह मेरे कटोरे में भी कई व्यंजन डाल देती थी काफी समय हो गया है और किसी ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा लेंग शाउटिंग को नहीं पता था कि वह अचानक ऐसा क्यों कहेगा यहां तक कि काव्या को भी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पहल पर ऐसा कहेगा जब वे साथ थे काव्या ने कभी उससे उसके माता पिता के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके लिए एक दर्दनाक स्मृति थी हालांकि एक दशक से अधिक समय हो गया था लेकिन लेंग शाउटिंग को अभी भी दुख महसूस हो रहा था हालांकि इस बार जोर से कहने के बाद उन्हें आराम महसूस हुआ लेंग शाउटिंग ने अभी जो कहा उसे सुनकर गुकविंग और गुमान दोनों आश्चर्यचकित रह गए उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इस युवक ने बहुत समय पहले अपनी माँ को खो दिया होगा इसलिए उनके मन में उसके प्रति गहरी सहानुभूति थी उसकी दर्दनाक यादों को ताजा न करने के लिए गुकविंग और गुमान ने आगे नहीं पूछा ठीक है यह एक अच्छा दिन है जब हम यहाँ एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं आइए व्यंजनों का आनंद लें गुमान अपनी अनुपस्थित माँ के प्यार की भरपाई के लिए लेंग शाउटिंग के कटोरे में सभी प्रकार के व्यंजन डालता रहा हालांकि शायद बहुत देर हो चुकी थी फिर भी यह सार्थक था लेंग शाउटिंग को गुमान के इस दयालु भाव से बहुत अच्छा महसूस हुआ इसलिए उन्होंने जितना हो सके उतना खाने की पूरी कोशिश की जब उन्होंने भोजन लगभग समाप्त कर लिया तो लेंग शाउटिंग ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया लेकिन उन्हें पता चले बिना ही बिल का भुगतान कर दिया जब गुक्विंग और गुमन को पता चला कि लेंग शाउटिंग ने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया है तो उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी गुमान ने कहा यह ठीक है निंगनिंग निंग मेरा दोस्त है और भोजन कुछ भी नहीं है लेंग शाउटिंग ने ईमानदारी से कहा क्योंकि बिल का भुगतान पहले ही हो चुका था इसलिए गुकविंग और गुमान ने आगे कुछ नहीं कहा इसके अलावा उन्होंने उसके सामाजिक मिलजोल के तरीके को भी मंजूरी दी उसके बाद उनका समूह जेड ब्यूटी ज्वेलरी गया काव्या ने जो झेंगहों को यह नहीं बताया कि वह फ्लैगशिप स्टोर की पहले से जांच करने जा रही है क्योंकि अगर उसे पता होता कि काव्या का परिवार भी वहां होगा तो वह अनावश्यक व्यवस्था कर देता इसलिए जब तक वे फ्लैगशिप स्टोर के रास्ते में नहीं थे काव्या ने जो झेंगहों को फोन नहीं किया हालांकि जो झेंगहों उस समय कारखाने में था काव्या ने उससे कहा कि वह फैक्ट्री जाने से पहले फ्लैगशिप स्टोर पर जाएगी इसलिए जो झेंगहों सीधे फैक्ट्री में उसका इंतजार करने लगा जेड ब्यूटी ज्वेलरी का प्रमुख स्टोर एक शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल पर स्थित था इसे शानदार तरीके से सजाया गया था और लोगों को एक नजर में ही पता चल जाएगा कि यह एक उच्च श्रेणी की आभूषण की दुकान है यहां तक कि गुकिंग और गुमान भी अंदर जाने से झिझक रहे थे हालांकि वे जानते थे कि काव्या बॉस थी जेड ब्यूटी ज्वेलरी में आभूषण बहुत घने नहीं थे इसके बजाय इसे थोड़ा थोड़ा करके रखा गया था ताकि लोग प्रत्येक टुकड़े का स्वरूप स्पष्ट रूप से देख सकें स्टोर में कई सेल्स वुमेन के साथ लगभग सत्रह ग्राहक थे और वे बहुत व्यस्त लग रहे थे एक बार जब काव्या और अन्य लोग अंदर चले गए तो एक सेल्स वुमन आगे बढ़ी और बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया मिस गो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा स्टोर के सभी कर्मचारियों को कुछ दिन पहले काव्या की असली पहचान के बारे में पता चला और वे सभी उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वह इतनी कम उम्र में इतनी सफल होने में सक्षम थी नमस्ते आपको हमारे साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है मैं उन्हें सैर पर ले जा सकती हूँ काव्या ने कहा जरूर सेल्सवुमन ने कहा और फिर चली गई दूर अन्य सेल्स वुमेन भी काव्या को देखकर खुश हुई लेकिन वे सभी अपने ग्राहकों को गहनों से परिचित कराने में व्यस्त थी इसलिए उन्होंने तुरंत काव्या का स्वागत नहीं किया जब गुकविंग और गुमान ने गहनों के मूल्य टैग देखे तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए हालांकि उन्हें पता था कि यह सस्ता नहीं है यीशु वे बहुत महंगे हैं अकेले इस जेड पेंडेंट की कीमत तीन लाख युआन से अधिक है गुकिंग ने चिल्लाकर कहा वास्तव में मुझे लगता है कि केवल अमीर ही इन्हें खरीद सकते हैं गुमान ने कहा तीन लाख युआन यह सस्ते में से एक है और इस स्टोर में आभूषणों के कई टुकड़े हैं जिनकी कीमत दस लाख युआन से अधिक है यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ आना चाहिए पास की एक महिला ने स्पष्ट तिरस्कार के साथ कहा ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी महिलाएं हर जगह मौजूद हैं गुकिंग और गुमन को फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई हालांकि वे असहज महसूस कर रहे थे लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने मूर्खों जैसा व्यवहार किया है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा हालांकि काव्या और लेंग शूटिंग नाराज थे ठीक है चूँकि तुम अमीर हो तो तुम इसे क्यों नहीं खरीदे काव्या ने जानबूझ कहा बेशक मैं इसे वहन कर सकता हूं। दरअसल महिला जेड़ पेंडेंट खरीदने से झिझक रही थी क्योंकि यह बहुत महंगा था लेकिन अब उसने अपनी अमीरी दिखाने के लिए इसे खरीदने का मन बना लिया कृपया इसे पैक कर लें मैं पाँच सौ अस्सी हजार युआन का भुगतान कार्ड से करूंगा जेड़ पेंडेंट उच्च स्तरीय बैंगनी प्रकार से बना था इसलिए यह बहुत महंगा था हालांकि यह बड़ा नहीं था कोई बात नहीं बेशक सेल्सवुमन आज एक और डील करने के लिए उत्साहित थी और वह अपनी बॉस काव्या की भी बहुत प्रशंसा करती थी क्योंकि काव्या ने सिर्फ एक वाक्य कहकर महिला को अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए मजबूर कर दिया था दूसरी ओर गुकविंग और बुमन आश्चर्यचकित थे कि महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका कार्ड स्वाइप कर दिया वैसे भी यह काव्या की ज्वेलरी की दुकान थी और वे सभी काव्या के लिए खुश थे क्योंकि उसने सौदे से बहुत सारे पैसे कमाए थे जब महिला काउंटर पर अपना कार्ड स्वाइप करने के बाद वापस आई तो उसने काव्या और अन्य लोगों को अहंकार और उत्तेजना से देखा हाँ अब आप क्या कह सकते हैं क्या आप यहाँ कोई आभूषण खरीद सकते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है काव्या ने सहजता से कहा हाँ हाँ मुझे लगता है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते महिला उन पर हंस पड़ी सेल्स वुमन जो उसके पास खड़ी थी उसकी मूर्खता से चकित थी काव्या जेड ब्यूटी ज्वेलरी की बॉस थी इसलिए सारे गहने उसके थे हालांकि सेल्स वुमन का महिला को सच बताने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह समझ गई थी कि यह उसके बॉस द्वारा बिछाया गया जाल था उसके बाद काव्या ने गुमन का हाथ उठाया और महिला को गुमन की कलाई पर बंधा फुलशौ जेड़ कंगन दिखाया क्या आप जानते हैं कि यह जेड़ किस प्रकार का है काव्या ने गर्व से महिला से पूछा फुलशो महिला ने सदमे से अपनी आंखें गोल कर ली फुलशो को पहचानना बहुत आसान था फिर भी महिला को विश्वास नहीं था कि गुमन फुल्शू जेड़ खरीद सकता है क्या यह असली है उसके संदेह का सामना करते हुए काव्या पागल नहीं हुई बल्कि मुस्कुराई ठीक है यह जेड ब्रेसलेट जेड ब्यूटी ज्वेलरी से है क्या यह नकली हो सकता है क्या महिला को अब शर्मिंदगी महसूस हुई पता चला कि वह उनसे बिल्कुल भी अमीर नहीं थी सौभाग्य से दुकान बड़ी थी और ग्राहक एक दूसरे के करीब नहीं थे इसलिए बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उनके बीच क्या हो रहा था अन्यथा उसे बहुत से लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाता जो एक सुखद अनुभव नहीं था बिना कुछ कहे महिला शर्म के मारे जल्द ही दुकान से बाहर निकल गई गुकविंग और गुमन ने काव्या के व्यवहार की आलोचना नहीं की क्योंकि आखिरकार यह महिला की गलती थी इसके अलावा उन्हें उस महिला को चेहरा खोते हुए देखकर भी बहुत अच्छा लगा नेहसंदेह काव्या ने जो भी किया लेंग शाउटिंग ने उसका समर्थन किया उसने यह भी सोचा कि काव्या उस महिला के प्रति बहुत दयालु थी इसके बाद वे दुकान में खरीदारी करने चले गए उनसे कुछ ही दूरी पर एक डिस्प्ले काउंटर के सामने दो खूबसूरत युवतियां जेड पेंडेंट चुन रही थी जब काव्या और अन्य लोग उनके पास से गुजरे तो उन्होंने लेंग शाउटिंग को देखा और उनकी उत्कृष्ट उपस्थिति देखकर दंग रह गए बहुत बहुत खूब वह आदमी सुंदर है वास्तव में हम उसके साथ बातचीत क्यों नहीं शुरू करते क्या जो लड़की सबसे आगे चल रही है वह उसकी गर्लफ्रेंड है क्या यह ठीक है अगर हम पास जाकर नमस्ते कहें पता नहीं लेकिन मुझे परवाह नहीं है ठीक है चलो हालांकि उनकी आवाजें तेज नहीं थी लेंग शाउटिंग और काव्या दोनों उनकी बातें सुन पा रहे थे और वे दोनों नाराज थे एक बार जब दोनों महिलाएं लेंग शाउटिंग के पास पहुंची तो उनमें से एक ने अपना मुंह खोला नमस्ते मुझे अकेला छोड़ दो लेंग शाउटिंग ने ठंडे स्वर में कहा दोनों महिलाएं एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर शर्मिंदगी से लाल हो गई उन्हें आश्चर्य हुआ उस आदमी को उनकी भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी काव्या और उसका परिवार रुके और फिर वापस लेंग शाउटिंग की ओर चल पड़े उनके आसपास के लोगों ने भी इस नाटक को देखा जिससे दोनों महिलाओं को और अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो हमने बस नमस्ते कहा क्या तुम अच्छे नहीं बन सकते एक महिला ने आलोचना की आपने अभी नमस्ते कहा क्या हम एक दूसरे को जानते हैं और क्षमा करें मैंने अभी, अभी अभी आपकी छोटी सी बातचीत सुनी लेंग शाउटिंग ने स्पष्ट रूप से कहा फिर उसकी नजर गुमन पर पड़ी और फिर उसने कहा मैं कोई प्लेबॉय नहीं हूं यह सुनकर काव्या समझ गई कि उसका उद्देश्य गुमन को यह बताना था कि वह एक अच्छा और विश्वसनीय व्यक्ति था हाँ हाँ मुझे यकीन है कि दोनों महिलाओं को उम्मीद नहीं थी कि सुंदर आदमी इतना सीधा होगा आप ठीक कह रहे हैं आसपास के लोग उनकी चर्चा करने लगे हालांकि गुमन और बुकिंग ने सोचा कि लेंग शाउटिंग थोड़ा असभ्य था उनका मानना था कि उसने जो किया वह सही था बंद करना महिला पागल थी क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं मैं फू परिवार से हूं जो सिटी डी की अमीरों की सूची में सातवें स्थान पर है यदि तुम में से किसी ने मुझे परेशान करने का साहस किया तो तुम इसका परिणाम नहीं भुगतोगे यह सुनकर उनके आसपास के सभी लोगों ने एक ही बार में अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उनमें से किसी ने भी फू परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की हालांकि काव्या और लेंग शाउटिंग अपवाद थे अच्छे से मिस फू क्या आपके दादाजी जानते हैं कि आप कब्जे वाले पुरुषों के साथ संबंध बनाना पसंद करती हैं काव्या ने चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ फू यिंगिंग की ओर देखते हुए कहा भले ही महिला फू परिवार से थी काव्या इसे बर्दाश्त नहीं करती थी आप यिंगिंग तुरंत क्रोधित हो गई बेशक उसके दादाजी को उसके व्यवहार के बारे में पता नहीं था अन्यथा उसके दादाजी क्रोधित हो जाएंगे हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि काव्या उसके दादाजी के साथ संबंध बनाने में सक्षम थी इसलिए वह काव्या के प्रति विनम्र होने को तैयार नहीं थी इसके बजाय उसने सार्वजनिक रूप से काव्या को धमकी दी मेरे दादाजी को इसके बारे में पता है या नहीं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है आप कुछ भी नहीं है और आपको अभी मुझसे माफी मांगनी होगी नहीं तो मैं यहाँ के मैनेजर से कहूंगा कि वह आपको भगा दे और काली सूची में डाल दे फू फूयिंग ने सोचा कि क्योंकि उसके दादाजी के झो झोंग के साथ अच्छे संबंध थे जो जेड ब्यूटी ज्वेलरी के बॉस थे जेड ब्यूटी ज्वेलरी में काम करने वाले कर्मचारी उनकी मदद करेंगे इसके अलावा वह एक प्रभावशाली परिवार से थी सच में काव्या हंसे बिना नहीं रह सकी उनके आसपास की अन्य सेल्सवुमेन ने फू यिंगिंग को ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ थी यह अब तक का सबसे मजेदार चुटकुला था जो उन्होंने सुना था कि वह चाहती थी कि वे अपने बॉस को उनके बॉस के स्टोर से भगा दें यह असंभव था कि उनमें से कोई भी ऐसा करेगा काव्या एक महान उदार बॉस थी और ज्वेलरी ब्रांड भी बहुत लोकप्रिय था इसलिए उन सभी को अच्छा भुगतान किया जाता था उस स्थिति में उनमें से कोई भी नौकरी खोने को तैयार नहीं था हाँ तुम कोशिश क्यों नहीं करते काव्या ने अपनी बाहें उसके सीने पर रख ली और एक और चुटकुला देखने का इंतजार करने लगी ठीक है आपने इसके लिए कहा था यह कहते हुए फू यिंगिंग मैनेजर की ओर मुड़ी अरे तुम उन्हें भगाओ और उन्हें अभी ब्लैकलिस्ट करो और मैं बाद में यहाँ और भी गहने खरीदूंगी प्रबंधक ने उसके आदेश को नजरअंदाज कर दिया और कहा मुझे क्षमा करे मिस फू मैं नहीं कर सकता क्या फू यिंगिंग को उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर उसे अस्वीकार करने की हिम्मत करेगा और वह अब गुस्से में थी क्या आप नहीं जानते कि मैं फू परिवार से हूं मैनेजर चुप रहा लेकिन उसके रवैये से पता चला कि उसे उसकी धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी आख़िरकार काव्या ने अपना मुंह खोला कृपया मिस फू को यहां से जाने के लिए कहें उसका स्वागत नहीं है जरूर बॉस मैनेजर ने बड़े सम्मान से कहा हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते थे कि काव्या जेड ब्यूटी ज्वेलरी की असली बॉस थी यह अब कोई रहस्य नहीं था इसलिए प्रबंधक ने सीधे उसे अपना बॉस कहा हालांकि स्टोर में मौजूद अन्य सभी लोग हैरान थे क्या यह युवा लड़की जेड ब्यूटी ज्वेलरी की बॉस है क्या झो झेंगोंग यहां का बॉस नहीं है बिल्कुल नहीं वह जेड ब्यूटी ज्वेलरी की बॉस है ऐसा कैसे हो सकता है क्या झेंगोंग यहां का बॉस नहीं है फू यिंगिंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था मैनेजर ने कहा वह जेड ब्यूटी ज्वेलरी की असली बॉस है जबकि एग्जीक्यूटिव झो महाप्रबंधक है फू यिंगिंग अवाक रह गई उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके ठीक सामने खड़ी यह युवा लड़की जेड ब्यूटी ज्वेलरी की असली बॉस थी उसने जो किया उसके बारे में सोचकर फू यिंगेंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई मैनेजर ने फू यंगेंग से कहा मिस फू कृपया अभी चले जाएं और आपका नाम जेड ब्यूटी ज्वेलरी की ब्लैकलिस्ट में होगा तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई फू यिंगेंग गुस्से में लग रही थी जैसे कि वह वही थी जिसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था मिस फू कृपया मैनेजर ने हाथ का इशारा करके उसे जाने के लिए कहा फू यिंगिंग अभी भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा जब उसने देखा कि हर कोई उसे स्पष्ट तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा था वह गुस्से में खर्राटे लेती हुई चली गई और फू यिंगिंग का पीछा करने वाली महिला भी चली गई चूंकि वे पहले से ही जानते थे कि काव्या जेड ब्यूटी ज्वेलरी की असली बॉस थी स्टोर के अन्य ग्राहक उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके निग्निंग ऐसा लगता है कि महिला एक प्रभावशाली परिवार से है क्या यह उचित है कि आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया हालांकि गुमन को पता था कि काव्या ने कई महत्वपूर्ण हस्तियों से दोस्ती कर ली है फिर भी वह चिंतित थी चिंता मत करो यह ठीक है जब मैं सिटी डी आया तो मास्टर फू पहले व्यक्ति थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई और हम काफी अच्छे हैं वह इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराएगा काव्या ने गुमन को समझाया नेह संदेह लेंग शाउटिंग को फू परिवार की परवाह नहीं थी क्योंकि फू परिवार उनके शक्तिशाली परिवार से बमुश्किल तुलनीय था एकदम बढ़िया गुमन को राहत मिली इसके बाद वे फैक्ट्री चले गए जब वे दुकान से निकले तो लगभग दोपहर के तीन बज रहे थे इसलिए काव्या ने गुमन से गुकन्यांग या वेन यूलान को बुलाने के लिए कहा यदि वे घर पर होते तो उन्होंने उस रात उनसे मिलने की योजना बनाई गुमान ने बाद में गुकन्यांग को बुलाया जब गुकन्यांग ने सुना कि वे उससे मिलने जा रहे हैं तो उसे खुशी हुई यह पहली बार होगा कि गुकविंग और गुमान उनसे मिलने आए थे साथ ही गुकन्यांग को भी दोषी और शर्मिंदा महसूस हुआ क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित नहीं किया था गुकिनयांग ने फिर गुमन को अपने घर का पता बताया और कहा कि वह शाम छह बजे से पहले घर आ जाएगा गुमन के साथ कॉल रखने के बाद गुकिनयांग ने तुरंत वेन यूलान को फोन किया उसने उसे बताया कि गुमन और अन्य लोग उनसे मिलने आ रहे थे वेन यूलान भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई उसने रात के खाने के लिए कुछ समुद्री भोजन खरीदने का फ़ैसला किया जल्द ही काव्या और अन्य लोग जेड ब्यूटी ज्वेलरी के कारखाने में पहुंचे आपसे मिलकर अच्छा लगा बॉस मिस्टर लेंग जो झेंगहोम ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया हाय अंकल जो यह मेरी माँ गुमान और मेरी चाची गुकिंग है काव्या ने परिचय दिया अगले मिनटों में काव्या द्वारा गुकविंग और गुमान को फैक्ट्री का दौरा कराने से पहले उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया जब गुकविंग और गुमान ने कारखाने में जेड़ के ढेर देखे तो उन्होंने सदमे से अपनी आंखें गोल कर ली उन्होंने स्टोर में जितने जेड़ आभूषण देखे थे उससे कहीं अधिक बड़े जेड़ के टुकड़े थे और जेड़ के ढेर की कीमत अवश्य ही बहुत अधिक थी निगनिंग जेड़ के इन ढेरों की कीमत कितनी है गुकिंग ने पूछा जेड़ बहुत मूल्यवान है लेकिन वास्तव में अगर कोई इसे नहीं चाहता तो यह सिर्फ एक पत्थर है जब तक हम उन्हें बेच सकते हैं उनकी कीमत करोड़ों युआन से अधिक है हालांकि अगर हम नहीं कर सकते तो वे सिर्फ पत्थरों के ढेर हैं वैसे भी यह जरूरी नहीं है काव्या ने कहा यह सुनकर गुकविंग और गुमान दोनों ने एक लंबी सांस ली करोड़ों युवाओं से अधिक दरअसल काव्या की संपत्ति उससे कहीं ज्यादा थी और उनका लक्ष्य देश की नंबर एक सुपर रिच महिला बनना था गुकन्यांग शाम छह बजे तक घर नहीं आएंगे इसलिए काव्या और अन्य लोगों ने दोपहर कारखाने में बिताई इस बीच काव्या ने जेड ब्यूटी ज्वेलरी की शाखाएं खोलने के बारे में जो झेंगहोंग से चर्चा की दूसरी ओर लेंग शाउटिंग शांत होकर एक तरफ बैठ गए भले ही उसने कुछ नहीं किया लेकिन जब तक काव्या उसके साथ थी उसे बोरियत महसूस नहीं हुई गुकविंग और गुमान कारखाने की हर चीज के बारे में बहुत उत्सुक थे इसलिए उनकी नजर में यह दौरा काफी दिलचस्प था सिटी बी में सजावट समाप्त हो रही है इसलिए हम अधिकतम एक सप्ताह में उद्घाटन समारोह की तैयारी कर सकते हैं अब गहने कैसे हैं काव्या ने पूछा हालांकि राजधानी और सिटी बी में शाखाएं लगभग एक ही समय पर खुलती थी काव्या ने पहले सिटी बी में शाखा खोलने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने वहां सब कुछ तैयार कर लिया था अब उन्हें केवल अच्छी तरह से बने जेड आभूषणों की आवश्यकता थी जहां तक गाउन की बात है हालांकि यूजी ग्यारह नए सेट नहीं बना सकी उन्होंने पहले ही पांच सेट तैयार कर लिए थे और बाकी को पूरा करने के लिए कुछ पुराने डिजाइन का उपयोग करेंगी काव्या समझ गई कि वह थोड़ी उदासीन लग रही थी क्योंकि वह अपने व्यवसाय से निपटने में व्यस्त थी जब तांग यूनफान अभी भी बेहोश थी हालांकि उसे अभी भी अपना जीवन जीना था और अपने सपने का पीछा करना था इसके अलावा काव्या के शरीर में तांग आइनिंग की आत्मा थी हालांकि उसने तांग यूनफान को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया लेकिन उसके मन में उसके प्रति अधिक भावनाएं नहीं थी तांग यूनफान अभी भी बेहोश था लेकिन उसका शरीर अच्छी स्थिति में था इसलिए काव्या को उसके जीवन की ज्यादा चिंता नहीं थी झों झेंगहोंग ने कहा हमने अधिक कर्मचारियों को काम पर रखा है और यह लगभग पूरा हो चुका है बॉस क्या हम बगल में 200 वर्ग मीटर बड़ी फैक्ट्री किराए पर ले सकते हैं यह फैक्ट्री जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं थोड़ी छोटी है जरूर काव्या सहमत हो गई जब लगभग शाम के पांच बज गए तो काव्या और बाकी लोग फैक्ट्री से चले गए उनके जाने से पहले काव्या ने जेड पिक्सियों के साथ गहनों का एक सेट लिया जो वेन यूलान और गुकन्यान के लिए उपहार थे गुकिनयान के घर जाते समय वे कुछ फल खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में भी गए चूंकि लेंग शाउटिंग को बाद में गुकविंग और गुमान को अपार्टमेंट में वापस भेजना था गुमान ने उसे रात्रि भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया माँ मैं आज शाम अपने दोस्तों के साथ एक सभा कर रही हूँ इसलिए मैं आज रात अपार्टमेंट में वापस नहीं आऊंगी काव्या ने गुमन से कहा क्या शूटिंग तुम्हारे साथ जाएगी गुमान ने पूछा जरूर हम अपने पारस्परिक मित्रों से मिलने जा रहे हैं वे सभी या तो अमीर या शक्तिशाली परिवारों से हैं और यह मेरे व्यवसाय के लिए सहायक है काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला महान गुमन को काव्या पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ इसके अलावा अपार्टमेंट में केवल एक ही बिस्तर था अगर काव्या उनके साथ अपार्टमेंट में रहती तो उसे सोफे पर सोना पड़ता दूसरी ओर लेंग शाउटिंग संतुष्टि के साथ थोड़ा मुस्कुराए गुमन और गुकिंग ने लेंग शाउटिंग की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया लेकिन काव्या ने देखा उसने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं पुरुष हमेशा सेक्स के बारे में क्यों सोचते रहते हैं फिर भी काव्या को यह भी समझ में आ गया कि अगर किसी आदमी के मन में आपके लिए कोई यौन इच्छा नहीं है तो वह आपसे प्यार करना बंद कर देता है हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक लगता है लेकिन काव्या को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह भी कभी कभी सेक्स चाहती थी काव्या और अन्य लोगों ने शाम छह बजे के आसपास गोकिनयान के घर का दरवाजा खटखटाया और गोकिनयान पहले से ही घर पर था जब गोकिनयान ने दरवाजा खोला और देखा कि वे कई पैकेज लेकर आए हैं तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई तुम्हें इतने सारे उपहार लाने की जरूरत नहीं थी बाद में गुकन्यांग ने उन्हें अंदर चलने के लिए आमंत्रित किया और जब लेंग शाउटिंग उनके पास से गुजरे तो वह लेंग शाउटिंग की उत्कृष्ट उपस्थिति देखकर दंग रह गए यह है उसने काव्या से पूछा ओ वह मेरा दोस्त है लेंग शाउटिंग और दो दिनों के लिए हम सिटी एफ में हैं वह हमारा निजी ड्राइवर है काव्या ने कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर लेंग गुकन्यांग ने विनम्रता से उनका स्वागत किया आपसे मिलकर अच्छा लगा लेंग शाउटिंग ने कहा वेन यूलान किराने की खरीदारी करने गया था और अभी तक घर नहीं आया था जबकि गुयिन्यन और गु किंगशी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे उन्हें अंदर चलते देखकर गुयिनियन और गु किंगशी ने पहले की तरह कोई गर्व नहीं दिखाया लेकिन असहज महसूस किया हालांकि गुयिन्यन और गोकिंगशी गु के चरित्र अच्छे नहीं थे फिर भी वे छोटे बच्चे नहीं थे इसलिए वे समझ गए कि चीजें अलग थी अब गुकिनन्यांग और उनकी मां ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि गुजियाओक्सियाओ के साथ क्या हुआ था और यह तथ्य कि काव्या जेड ब्यूटी ज्वेलरी की असली मालिक थी इसलिए न तो गुयिन्यन और न ही गुकिी ने काव्या पर हंसने की हिम्मत की उन्हें गुकिंग और गुमान से मोटे लाल लिफ़ाफे भी मिले यह सोचकर कि उन्होंने पहले क्या किया था उन्हें शर्म महसूस हुई उपयोग जब वे सभी बैठ गए तो गोकिनयांग ने गुयन्यन और गुकिंगशी की आलोचना की क्योंकि उन्होंने अभी तक गुमान और अन्य लोगों का अभिवादन नहीं किया था अरे तुम दोनों अपनी तमीज मत भूलो गुकिन्यान ने उन्हें पहले ही याद दिला दिया था लेकिन वे अब अचानक इतने शांत हो गए यह सुनकर उन दोनों ने शर्मिंदगी के साथ गुमन और गुकिंग का स्वागत किया हाहा हा, यह ठीक है गुकविंग और गुमान को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वे पहले भी उनके साथ असभ्य व्यवहार कर चुके थे आखिरकार वे तो बच्चे ही थे गुमान ने एक किताब के आकार के दो बक्से निकाले और उन्हें गुयिनियन और गुकिंगशी को दे दिया ये मेरे और तुम्हारी आंटी किंग की ओर से तुम्हारे लिए उपहार है आप इसे अभी खोलकर देख सकते हैं कि आपको यह पसंद है या नहीं उपहार दो बोलियां थी ब्रांड का लोगो देखकर गुयिन्यन और गु किंगशी की आंखें तुरंत चमक उठी हालांकि उन्होंने तुरंत उपहार लेने की हिम्मत नहीं की लेकिन गुकन्यांग को आशा से देखा उन्हें अपने पिता की सहमति मांगनी पड़ी यार किंग तुम्हें उनके लिए इतने महंगे उपहार खरीदने की जरूरत नहीं है गुकन्यांग को शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वह जानता था कि गोलियां बहुत महंगी थी यह कोई बड़ी बात नहीं है आज सभी बच्चे इस ब्रांड के टैबलेट को पसंद करते हैं गुमान ने सहजता से कहा वह अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं कर रही थी वह सिर्फ यह जानती थी कि वे इसे पसंद करेंगे गुकिनयांग ने यह भी समझा कि गुकविंग और गुमन उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था गुकिनयांग ने जोर नहीं दिया ठीक है अपने उपहार ले लो और अपनी दोनों चाचियों को धन्यवाद दो यह सुनकर गु गुय और गु किंगशी उत्साहित हो गए और उन्होंने गुमन और गुकिंग को धन्यवाद दिया बहुत बहुत धन्यवाद आंटी मैन आंटी किंग आपका स्वागत है गुकविंग और गुमान ने कहा उसके बाद गुकिनयान उनके लिए पानी का गिलास डालने गया कुछ ही देर में वेन यूलान कई सब्जियों और समुद्री भोजन के साथ वापस आ गया था यूलान आपने बहुत कुछ खरीदा है क्या हम यह सब खम कर सकते हैं गुकविंग और गुमान ने कहा ओह चिंता मत करो हम यह सब खाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं वेन यूलान ने कहा शाम के छह बज चुके थे इसलिए गुकविंग और गुमान ने वेन यूलान को खाना बनाने में मदद की क्योंकि यह तेज होगा इस बीच काव्या लेंग शाउटिंग और गुकन्यांग लिविंग रूम में बेतरतीब ढंग से बातें कर रहे थे जबकि गुयिनियन और गुकिंगशी अपने नए उपहारों का अध्ययन कर रहे थे गुकन्यांग ने लेंग शाउटिंग से कुछ सवाल पूछे जैसे वह कहाँ से आए हैं कहाँ काम करते हैं वगैरह लेंग शाउटिंग ने उसे बताया कि वह एक सेना अधिकारी था जो राजधानी में सामान्य सैन्य क्षेत्र में कार्यरत था जहां तक सेना में उनकी स्थिति का सवाल है लेंग शाउटिंग ने उन्हें नहीं बताया गुकन्यांग ने भी उनसे नहीं पूछा क्योंकि उनका मानना था कि इतनी कम उम्र में लेंग शाउटिंग महज एक सामान्य सेना अधिकारी थे हालांकि जब गु किन्यांग को लेंग शाउटिंग की नौकरी के बारे में पता चला तो उन्होंने लेंग शाउटिंग के बारे में बहुत सोचा क्योंकि ज़्यादातर लोग सैनिकों के प्रति बहुत सम्मान और प्रशंसा रखते थे थोड़ी देर बाद लिविंग रूम में मौजूद लोगों को खाने की खुशबू आई गंध की अपनी तीव्र भावना के साथ काव्या ने समुद्री भोजन की गंध को सूंघा और अवचेतन रूप से लेंग शाउटिंग को देखा लेंग शाउटिंग ने इस समय थोड़ा भौहें चढ़ाई काव्या तुरंत रसोई में जाकर खड़ी हो गई जब काव्या ने काउंटर पर सारा समुद्री भोजन देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ यह सच है कि उसे समुद्री भोजन बहुत पसंद था लेकिन लेंग शाउटिंग को इससे एलर्जी थी क्या हमारे पास समुद्री भोजन के अलावा अन्य भोजन है शूटिंग से एलर्जी है काव्या ने पूछा यह सुनकर रसोई में मौजूद लोग एक पल के लिए जो कर रहे थे वह रुक गए वेन यूलॉन को नहीं पता था कि लेंग शाउटिंग को समुद्री भोजन से एलर्जी है सौभाग्य से उसने बहुत सारी सब्जियां और अन्य मांस भी खरीदा ओह चिंता मत करो हमारे पास अन्य भोजन है यह सुनकर काव्या शांत हो गई काव्या को वापस देखकर लेंग शाउटिंग को बहुत खुशी हुई कि वह उसकी परवाह करती है जब काव्या मुड़ी तो उसने लेंग शाउटिंग के होठों पर हल्की मुस्कान देखी और उसका दिल अचानक धड़कने लगा उसने खुद को शांत करने के लिए तुरंत एक लंबी सांस ली क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि लेंग शाउटिंग बहुत आकर्षक थी या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी उसकी हल्की सी मुस्कान से वह आसानी से आकर्षित हो गई काव्या की प्रतिक्रिया देखकर लेंग शूटिंग को अधिक संतुष्टि और प्रसन्नता महसूस हुई उसे काव्या का खिला हुआ चेहरा देखना अच्छा लगता था हालांकि काव्या ने अब लेंग शूटिंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि वह अपना शिष्टाचार खो देगी लगभग साढ़े सात बजे रात का खाना तैयार हो गया बु किन्यांग लेंग शाउटिंग के साथ कुछ शराब पीना चाहता था लेकिन लेंग शाउटिंग गाड़ी चलाने वाला था इसलिए उसने शराब छोड़ दी भोजन के दौरान बुकविंग और गुमान सभी प्रकार के व्यंजन लेंग शाउटिंग के कटोरे में डालते रहे जैसे उन्होंने पिछली बार किया था काव्या को अचानक यह देखकर अजीब लगा कि उसकी मां और चाची लेंग शूटिंग के लिए ऐसा कर रही थी लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज़ कर दिया दूसरी ओर गु किन्यांग और, और वेन यूलान को यह समझ में नहीं आया कि गु क्विंग और गुमान लेंग शाउटिंग के कटोरे में बर्तन क्यों डालते रहे लेकिन उन्होंने पूछा नहीं वेन वेनयूलान को विश्वास होता कि लेंग शाउटिंग काव्या का प्रेमी था यदि गुकविंग और गुमान ने उसे यह नहीं बताया होता कि लेंग शाउटिंग सिर्फ काव्या का दोस्त था वेन यूलान की नज़र में लेंग शाउटिंग और काव्या एक दूसरे से बहुत मेल खाते थे काव्या अब एक सफल व्यवसायी महिला थी और यह काफी समझ में आता था कि वह विभिन्न प्रकार के लोगों से दोस्ती करने के लिए बहुत मिलजोल रखती थी आखिरकार यह उसके व्यवसाय के लिए बहुत मददगार था रात के खाने के बाद रात के आठ बजकर तीस मिनट बज रहे थे और उन्होंने लिविंग रूम में आराम किया उसी समय काव्या ने और वेन यूलान के लिए अपने उपहार निकाले अंकल और आंटी ये आपके लिए उपहार है कृपया उन्हें ले लें क्या आपने हमारे लिए उपहार क्यों तैयार किए आप युवा पीढ़ी है और हमें आपको एक उपहार भेजना चाहिए बिल्कुल गु गुकिन्यांग और वेन यूलान दोनों आश्चर्यचकित थे यह ठीक है और मैंने आंटी किंग और अंकल जू के लिए उपहार भी तैयार किए हैं इसलिए कृपया उन्हें ले ले काव्या ने सीधे उपहार उनके हाथों में रख दिए अच्छा वे उपहार लेने में झिझक रहे थे कृपया उन्हें ले लो निंगनिंग सिर्फ दयालु है और हम सभी को उससे उपहार मिले हैं गु किंग ने कहा वास्तव में कृपया उन्हें ले ले गु गुमान ने कहा निगनिंग बहुत बहुत धन्यवाद बु किन्यांग और वेन वेनयूलान ने कहा कोई भी उपहार पाकर नाखुश नहीं होता था जब बुकिन्यांग और वेन यूलान ने काव्या के उपहार लिए तो उन्होंने बक्से खोलकर देखा कि अंदर क्या है यह है बुकन्यांग उस समय चौंक गया जब उसने अपने बक्से में मुठ्ठी के आकार की जेड़ पिक्सियु देखी वह जानता था कि काव्या जेड़ का व्यवसाय करती है इसलिए यह पिक्सियो वास्तविक होना ही था हालांकि वह जेड़ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और इसके प्रकार को नहीं पहचान सका उसने सुना था कि जेड पिक्सी बहुत महंगा था और इसकी कीमत एक मिलियन युवा से अधिक हो सकती है गुकिनयांग समझ गया कि काव्या सस्ते उपहार नहीं भेजेगी लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मूल्यवान होगा वेन यूलान ने अपना बक्सा खोला और जब उसने उसमें जेड आभूषणों का सेट देखा तो उसका चेहरा तुरंत चमक उठा सभी महिलाओं को आभूषण पसंद थे लेकिन उनमें से कुछ इसे खरीद नहीं पाती थी वेन यूलान एक गरीब परिवार से थी और वो गुकन्यांग से शादी के बाद उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया हालांकि महंगे गहनों का एक सेट उसके लिए एक लग्जरी था और उसके पास अब तक केवल सोने के गहनों का एक सेट था जिसकी कीमत लगभग दस हज़ार युवा थी वास्तव में दस हजार युवा भी उसके बजट से अधिक थे लेकिन यह एक सालगिरह का उपहार था जो गुकन्यांग ने उसे कुछ साल पहले दिया था हालांकि सोने के गहनों के एक सेट की तुलना जेड़ गहनों के एक सेट से मुश्किल से ही की जा सकती थी उसने सुना था कि जेड ब्यूटी ज्वेलरी के सबसे सस्ते जेड पेंडेंट की कीमत कम से कम सैकड़ों हज़ारों युआन होती है इसलिए काव्या द्वारा उसे दिया गया जेड ज्वेलरी का यह सेट बहुत मूल्यवान होगा सेट में एक ज़ेड पेंडेंट एक जोड़ी झुमके एक कंगन और एक अंगूठी शामिल थी जेड ब्यूटी ज्वेलरी के मूल्य स्तर के अनुसार इसकी कीमत एक मिलियन युवा से अधिक हो सकती है अपने अपार्टमेंट को छोड़कर वेन यूलान को पहले कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिसकी कीमत एक मिलियन युवा से अधिक हो इसके अलावा वे अभी भी आवास ऋण का भुगतान कर रहे थे निंगनिंग निंग उपहार बहुत महंगे हैं गुकिनयांग ने कहा यह ठीक है कृपया उन्हें ले लो काव्या ने कहा चूंकि काव्या ने जोर दिया गुकन्यांग और वेन यूला ने उपहार लिया और काव्या को धन्यवाद दिया थोड़ा आराम करने के बाद गुमन और अन्य लोग चले गए जब लगभग रात के नौ बज गए गुकिनयांग का अपार्टमेंट छोटा था और उसमें ज्यादा लोग नहीं रह सकते थे इसलिए गुकन्यांग ने उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए आमंत्रित नहीं किया जब गुमन और अन्य लोग चले गए तो वेन यूला ने गु किन्यांग से कहा किन्यांग निगनिंग बहुत उदार है हमने पहले उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया उससे मुझे शर्म आती है गु किन्यांग ने आह भरते हुए कहा मैं भी सौभाग्य से उन्होंने समय रहते अपना दृष्टिकोण और व्यवहार बदल लिया उसके बाद उन्होंने यह पता लगाने के लिए इंटरनेट पर खोज की कि काव्या ने उन्हें किस प्रकार की जेर दी थी बुक्न्यांग का पिक्सिय मध्यम उच्च स्तरीय जल प्रकार की जेड़ से बनाया गया था जबकि वेन यूलान के गहने उच्च स्तरीय बैंगनी प्रकार की जेड़ से बनाए गए थे हालांकि वे उनकी विशिष्ट कीमतें नहीं जानते थे वे जानते थे कि उनके उपहारों की कीमत कम से कम दस मिलियन युवा थी उन्होंने बड़े आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा यीशु निगनिंग बहुत उदार है वेन यूलान के पास अब अपने आश्चर्य का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे दो शानदार उपहारों का सामना करते हुए उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है जब वे क्लीन वाटर ब्लू स्काई पर वापस आए तो लेंग शाउटिंग कार में इंतजार कर रहे थे जबकि काव्या गुमन और गुकिंग के साथ ऊपर चली गई एक बार जब काव्या कार में वापस आई तो लेंग शाउटिंग ने उसे सीट के पीछे दबा दिया अगले मिनटों में लेंग शाउटिंग ने काव्या को बेधाशा चुमा उसने कई दिनों से काव्या को नहीं देखा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है निंगनिंग लेंग शाउटिंग ने काव्या को सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बुलाया उसने उसके प्रति अपनी इच्छा को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई क्या काव्या की आंखें झपकी निग्निंग लेंग शाउटिंग ने फिर से फोन किया क्या काव्या असमंजस में थी निंगनिंग निंग, लेंग शाउटिंग ने उसे एक बार फिर बुलाया क्या काव्या थोड़ी नाराज हुई कुछ नहीं मैं सिर्फ आपका नाम पुकारना चाहता हूं लेंग शाउटिंग मुस्कुराए काव्या खुश हो गई और फिर लेंग शूटिंग को दूर धकेल दिया तुम बहुत बचकाने हो निगनिंग निंगनिंग लेंग शाउटिंग उसे बुलाती रही हालांकि काव्या ने उसे अब कोई जवाब नहीं दिया इसलिए लिंग शूटिंग रुक गई वैसे भी वह जल्द ही उसके साथ पूरी रात बिता सकता था और उसके पास वह करने के लिए बहुत समय था जो वह चाहता था लेकिन उससे पहले उन्हें कहीं और जाना होगा क्या आपको अभी भी ए अवेचिन और ओ नियनिन याद है वे पहले जेड ब्यूटी ज्वेलरी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे हम अब उनसे एक क्लब हाउस में मिलने जा रहे हैं लेंग शाउटिंग ने कहा जरूर काव्या ने उत्तर दिया काव्या की महान स्मृति के कारण उसे निश्चित रूप से ए वेचेन और ओ न्यनिन की याद आई चूंकि लेंग शाउटिंग उसे उनसे मिलने के लिए लाया था इसलिए उनका उसके साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए जल्द ही काव्या और लेंग शाउटिंग एक हाई एंड क्लब हाउस में पहुंचे एक वीआईपी निजी कमरे में ए वेचेन ओ न्यानिन और एक अन्य महिला के साथ दो अन्य पुरुष पहले से ही वहां मौजूद थे वे दो व्यक्ति ए वेचेन के बड़े भाई ए वेशुन और ए एवेशन के साथ ही झाओ लैंग थे झाउलैंग भी रेड फ्लेम के सदस्य थे और वह टीम में ग्यारहवें स्थान पर थे बेशक यह एक ऐसा रहस्य था जो दूसरों को नहीं पता था महिला भी ए परिवार से थी वह ए वेचेन और ए वेशुन की चचेरी बहन ए रुइक्स्यू थी ए वेशुन तीस साल का था और ए वेचेन जैसा दिखता था लेकिन ए वेचेन उस तरह का आदमी था जो सौम्य और आकर्षक था जबकि अवेशुन थोड़ा गंभीर लेकिन सेक्सी था क्योंकि वह एक सैनिक था झाओ लैंग छब्बीस वर्ष के थे जो जिनचेन से दो महीने छोटे थे इसलिए उनका स्थान जो जिनचेन से नीचे था हालांकि उनका चेहरा सादा था लेकिन उनमें गजब की हवा भी थी ए रुक्स्यू लगभग पच्चीस साल की एक सुंदर लड़की थी झाओ लैंग ए वेशन के साथ यहाँ आया था इसलिए वह ए वेशन के साथ बैठकर बात करता रहा ए ए वेचेन और ओ न्यान के साथ बैठी वे शराब पीते हुए गेम खेल रहे थे ए वेचेन और ओ न्यानिन दोनों अनुपस्थित दिखे और खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके लेकिन ए रोकस्यू इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी ओ न्यनिन एवेशन के बारे में सोच रही थी जबकि ए वेचेन उसके बारे में सोच रही थी एक प्रेम त्रिकोण वास्तव में यातनापूर्ण था ए वेशन झाओ लैंड के साथ बात करता रहा न केवल इसलिए कि वे यहाँ एक साथ आए थे बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह ओ न्यानिन से बच रहा था वह जानता था कि ओ न्यनिन उससे प्यार करती थी लेकिन वह उसे केवल अपनी छोटी बहन मानता था उसने ओ न्यानियन को यह स्पष्ट कर दिया था और वो न्यानियन ने उससे विनम्र दूरी बनाए रखी हालांकि उसकी वजह से वह तीस साल की उम्र तक अकेली रही जिससे उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वह जानता था कि यह एक स्वस्थ रिश्ता नहीं था ओह क्या शूटिंग अकेले आएगी झाओ झाओलैंड ने एवेशन से पूछा कोई अनुमान नहीं उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया एवेशन ने उत्तर दिया मैं शाउटिंग की प्रेमिका से मिलना चाहता हूं मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि किस तरह की लड़की लेंग शाउटिंग को आकर्षित कर सकती है जो महिलाओं के प्रति अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है मैंने तो यह भी सोचा था कि शाउटिंग जीवन भर अकेला रहेगा झाओ लैंग ने कहा उन सभी ने सी मिंग से सुना था कि लेंग शाउटिंग की एक प्रेमिका थी लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक उस लड़की से नहीं मिला था बेशक उन्होंने लेंग शाउटिंग से पूछने की हिम्मत नहीं की इसलिए उन्होंने अधिक जानकारी के लिए सी मिंग और जू जिनचेन की ओर रुख किया हालांकि न तो जू जिनचेन और न ही सी मिंग ने उन्हें बहुत कुछ बताया बल्कि सिर्फ इतना कहा कि लड़की बहुत सुंदर थी उन्हें विश्वास नहीं था कि लेंग शाउटिंग एक ऐसी लड़की की ओर आकर्षित होगी जो केवल सुंदर थी क्योंकि लेंग शाउटिंग उथली नहीं थी मैं भी उत्सुक हूं वेशन ने कहा दरअसल रेड फ्लेम में हर कोई लेंग शाउटिंग की गर्लफ्रेंड को लेकर उत्सुक था उनके बीच यह कोई रहस्य नहीं था कि लेंग शाउटिंग को महिलाओं में ज्यादा रुचि नहीं थी हालांकि ए वेशन तीस साल की उम्र में भी अविवाहित थे लेकिन वह लेंग शाउटिंग से अलग थे और एक महिला भी थी जिससे वह प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे दुर्भाग्य से महिला अभी तक सहमत नहीं हुई थी यह सोचकर एवेशन को बहुत दुख हुआ उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया एवेशन ने कहा अंदर आओ और दरवाजा धक्का देकर खोला गया सबसे पहले एक वेटर अंदर आया उसके बाद लेंग शाउटिंग आया शुरुआत में उन सभी का मानना था कि लेंग शाउटिंग अकेले आएंगे हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब एक युवा लड़की उसका पीछा कर रही थी लेंग शाउटिंग कभी भी किसी महिला के साथ अकेले नहीं रहते थे जब तक कि वह महिला उनकी प्रेमिका न हो जैसा किसी मिंग ने उन्हें बताया था लड़की वास्तव में बहुत सुंदर थी ए वेचेन और ओ नीनिन पहले भी काव्या से मिल चुके थे और उन दोनों का मानना था कि उसे लेंग शाउटिंग की प्रेमिका बनना है चूंकि वे अब एक साथ दिखाई दिए ए वेचेन और ओ नीनिन अपने रिश्ते के बारे में आश्वस्त थे ए रूक्स्यू लेंग शाउटिंग या काव्या को नहीं जानती थी लेकिन उनकी उत्कृष्ट उपस्थिति से दंग रह गई थी विशेष रूप से लेंग शाउटिंग जो कि किसी भी पुरुष से भी अधिक सुंदर था जिससे वह पहले कभी मिली थी इसके अलावा उनमें बड़पन की स्वाभाविक भावना थी जिसने उनके प्रकट होते ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया लेंग शाउटिंग ने काव्या को ए वेशुन और झाओ लैंग के बगल वाले सोफे पर बैठने के लिए निर्देशित किया नमस्ते अ वेशुन और झाओ लैंग ने उनका स्वागत किया और यह है ए वेशुन ने पूछा वह काव्या है मेरी प्रेमिका लेंग शाउटिंग ने गर्व से कहा एवेशन और झाओ लैंग लेंग, लेंग शाउटिंग के असामान्य रवैये से चकित थे आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस एवेशन और झाओ लैंग ने उनका स्वागत किया यह पहली बार था जब वे एक दूसरे से मिले थे यह एवेशन है और यह झाओ लैंग है लेंग शाउटिंग ने उन्हें काव्या से मिलवाया आपसे मिलकर भी अच्छा लगा काव्या ने उनका स्वागत किया और वे अ वेन और ओ न आप उनसे पहले मिल चुके हैं लेंग शाउटिंग ने कहा लेंग शाउटिंग एयरक्सियो को नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने उनका परिचय नहीं कराया इसके अलावा वह एक महिला थी और लेंग शाउटिंग को अवचेतन रूप से अजीब महिलाएं पसंद नहीं थी दूसरी ओर ओ ने अलग थी क्योंकि वह लेंग शाउटिंग के बहुत करीब थी उसने लेंग शाउटिंग का अनुसरण किया और लेंग शाउटिंग उसे अपनी छोटी बहन मानता था उनके बीच एक कहानी भी हुई तीन साल पहले ओ परिवार उत्तराधिकारियों को लेकर लड़ाई के दौर में था ओ न्यानिन एक प्रतिभाशाली व्यवसायी महिला थी इसलिए ओ परिवार के नेता ने ओ न्यानिन को ओ परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई थी हालांकि उसके चाचा उस फैसले से असंतुष्ट थे इसलिए उसके चाचा ने ओ न्यानिन को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था उस समय ए वेचेन ओ न्यानिन के समान स्थान पर थे इसलिए वे एक साथ खतरे में पड़ गए थे यह लेंग शाउटिंग ही थे जिन्होंने उन्हें बचाया था उसके कारण ओ न्यानिन ने तब से लेंग शाउटिंग के नेतृत्व का अनुसरण किया था जब तक लेंग शाउटिंग को उसकी मदद की जरूरत होगी वह उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ए वेचिन ने भी लेंग शाउटिंग के नेतृत्व का अनुसरण किया हालांकि लेंग शाउटिंग कम बोलने वाले व्यक्ति थे लेकिन वह समझते थे कि नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया बाद में यह पता चला कि उनके परिवार सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे बाद के वर्षों में ए परिवार और ओ परिवार ने शेंशी समूह के साथ अक्सर व्यापार किया जिससे एक दूसरे की कंपनियों को बढ़ावा मिला हाय मिस गु ए वेचेन और ओ नियन ने विनम्रता से उनका स्वागत किया आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ए और मिस ओ काव्या ने कहा यह मेरी चचेरी बहन ए रुक्सू है ए वेचेन ने परिचय दिया काव्या और ए रुक्स्यू ने एक दूसरे का अभिवादन किया लेकिन लेंग शाउटिंग ने सीधे तौर पर ए रुक्स्यू को नजरअंदाज कर दिया उसके बाद उन्होंने साथ में बातें की शराब पी और गेम खेले मिस गु चूंकि आप शाउटिंग की प्रेमिका है आप हमारी मित्र भी है अगर मैं सीधे आपका नाम पुकारूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है ए वेशन ने पूछा आखिरकार काव्या लेंग शाउटिंग की प्रेमिका थी और वे उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना पसंद करेंगे इसके अलावा जब तक लेंग शाउटिंग ने उसे अपनी लड़की के रूप में स्वीकार किया वह जीवन भर उसके प्रति वफादार रहेगा बिल्कुल नहीं काव्या ने कहा काव्या तुम कहां से हो ऐ वेशन ने पूछा सिटी एफ काव्या ने कहा आपकी आयु कितनी है झाओ लैंड ने पूछा अठारह काव्या ने उत्तर दिया क्या वह केवल अठारह वर्ष की है एव वैश्व और झाओ लैंग हैरान थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लेंग शाउटिंग की गर्लफ्रेंड इतनी छोटी होगी यहां तक कि ए रिक्स्यू को भी बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह 25 साल की उम्र में भी अकेली थी लेकिन काव्या का पहले से ही एक प्रेमी था जब वह सिर्फ 18 साल की थी दूसरी ओर ए वेचेन और ओ न्यान शांत रहे क्योंकि वे पहले से ही काव्या की उम्र जानते थे ए विशुन और झाओ लैंग ने जल्द ही विषय बदल दिया कुछ समय बाद एविशन ने लेंग शाउटिंग को सिकबो खेलने के लिए चुनौती दी एक सिकबो जिसे ताई साई दाईस्यू बड़ा और छोटा या हाइलो भी कहा जाता है प्राचीन चीनी मूल का एक आसमान मौका का खेल है जो तीन पासों के साथ खेला जाता है और हारने वाले को एक कप शराब पीनी पड़ी उन्होंने कुल मिलाकर छह राउंड खेले और लेंग शाउटिंग तीन बार हार गए थे इसलिए उन्हें तीन कप शराब पीनी पड़ी काव्या का दिल लेंग शाउटिंग के लिए दुखा इसलिए उसने एवेशन से कहा मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ क्या आपका दिल उसके लिए दुखता है ए अवैष ने चिढ़ाया हां मेरा दिल उसके लिए दुखता है इसलिए मैं इसे वापस जीतूंगा काव्या ने साफ साफ कहा अच्छे से मैं उत्सुक हूं कि आप इसे वापस कैसे जीतेंगे हालांकि यदि आप हार जाए तो रोए नहीं ए अवैशुन हंसे वह काव्या के साथ कई राउंड खेलने से इनकार नहीं करेगा और वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि वह गेम कैसे जीतेगी बिल्कुल नहीं काव्या आत्मविश्वास से मुस्कुराई और फिर पासे का कप हिलाया पासे ने पासे के प्याले में चारों ओर दस्तक दी जिससे स्पष्ट ध्वनिया निकली जब काव्या ने तेज आवाज के साथ पासे का प्याला मेज पर रखा तो उसने एक विस्तृत मुस्कान के साथ ए की ओर देखा छोटे या बड़े चूंकि ऐ उसे अपना दोस्त मानती थी इसलिए वह भी उसके साथ अपने दोस्त की तरह व्यवहार करती थी और शिष्टाचार का पालन करने की जहमत नहीं उठाती थी बड़ा एवेशन ने स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ अनुमान लगाया उसके बाद काव्या ने पासे का कप खोला कुल स्कोर 11 से अधिक था जो बड़ा था और एवेशन सही थे एवेशन ने काव्या की ओर देखकर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई लेकिन काव्या को इसकी कोई परवाह नहीं थी भले ही वह सही था यह असंभव था कि काव्या अपनी जेड़ आंखों से हार जाए यह बराबरी का खेल नहीं था लेकिन एवेशन को इसका अंदाज़ा नहीं था हालांकि यह अनुचित लगता था अगर काव्या ने अपनी जेड़ आंखों का इस्तेमाल किया वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी वह सिर्फ़ गेम जीतना चाहती थी और एवेशन को अधिक कप शराब पिलाना चाहती थी अब मेरी बारी है एवेशन मुस्कुराई और फिर पासा कप हिलाया थोड़ी देर बाद उसने उसे वापस मेज पर रख दिया बड़ा या छोटा उसने काव्या से कहा छोटा काव्या ने उत्तर दिया पासा कप खोला गया और कुल स्कोर ग्यारह से नीचे था जो छोटा था इसलिए यह एक बराबरी का दौर था उसके बाद काव्या ने हर बार सही अनुमान लगाया हालांकि एवेशन कभी कभी गलत था सिकबो या बड़ा और छोटा तीन पासों के साथ खेला जाने वाला एक आसमान मौका का खेल था इसलिए यह सामान्य था कि जो भाग्यशाली था वह कई बार सही हो सकता था जबकि जो इतना भाग्यशाली नहीं था वह अक्सर गलत हो सकता था जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा एवेषुन को अंतः महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है उन्होंने कुल दस राउंड खेले थे पांच राउंड बराबर थे और अवेशुन अन्य पांच राउंड हार गई जबकि काव्या एक बार भी नहीं हारी थी जो एक चौंकाने वाला परिणाम था लिंग शाउटिंग को छोड़कर हर कोई आश्चर्यचकित था जो एक ही समय में बहुत गर्वित और जिज्ञासु लग रहा था यह कैसे संभव हुआ कि काव्या हर बार जीत जाए भले ही वह भाग्यशाली रही हो वह कम से कम एक बार हार सकती है यह पागलपन है कि आप एक बार भी नहीं हारे एवेशन को परिणाम पर विश्वास नहीं हो रहा था तुम्हें विश्वास नहीं है मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दे सकती हूं काव्या ने कहा और उसे चुनौती दी जरूर आइए अगले पांच राउंड तक जारी रखें मुझे विश्वास नहीं है कि मैं दोबारा हारूंगी एवेशन ने कहा और चुनौती स्वीकार कर ली हालांकि जब अन्य पांच राउंड खत्म हो गए तब भी काव्या एक भी बार नहीं हारी थी ठीक है मैं हार मान लेता हूँ एवेशन ने हार मान ली क्योंकि वह जानता था कि वह काव्या के साथ चाहे कितने भी राउंड खेलता रहे जीत नहीं सकता लगातार कई कप शराब पीने के बाद एवेशन को थोड़ा असज महसूस हुआ मुझे कोशिश करने दो हालांकि झाओ लैंग ने पूरी प्रक्रिया देखी थी लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि काव्या इतनी भाग्यशाली हो सकती है इसलिए उसने उसे चुनौती दी निस्संदेह काव्या अस्वीकार नहीं करेगी यदि वे पीना चाहते थे तो उसने उन्हें पर्याप्त पीने दिया सात राउंड के बाद झाओ लैंग ने हार मान ली क्योंकि वह एवेशन की तुलना में अधिक राउंड हार गया था और उसे लगातार पांच कप शराब पीनी पड़ी ठीक है मैं हार मान लेता हूँ दरअसल ए का विचार काव्या को भी चुनौती देने का था लेकिन एवेशन और झाओ लैंग दोनों हार गए थे और बाद में उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली थी उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह उनसे अधिक कप जीत सकता है आपने ऐसा कैसे किया या तो यह एक बराबरी का दौर था या आपने इसे जीत लिया झाओ लैंग ने पूछा काव्या ने कहा ठीक है मैं पासा कप में पासों के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ सुनकर कुल स्कोर का पता लगा सकती हूँ वह झूठ बोल रही थी क्योंकि वह उन्हें सच नहीं बता सकती थी उन्होंने पहले सुना था कि कुछ लोग विशेषकर ज्वारियों के देवता पासे की आवाज़ सुनकर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं इसलिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि काव्या झूठ बोल रही थी इसके बजाय वे सभी अब काव्या की प्रशंसा करने लगे लेंग शाउटिंग वहां उनके साथ ज्यादा देर तक नहीं रुके और रात करीब ग्यारह बजे काव्या के साथ वहां से चले गए बाकी लोग भी देर तक नहीं खेले और जल्दी ही चले गए लेंग शाउटिंग और काव्या सीधे हुआ होटल गए हालांकि लेंग शाउटिंग हमेशा की तरह शांत लग रहे थे लेकिन वास्तव में वह एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते थे और जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहते थे ऐसा होने पर वह सामान्य से बहुत तेज गाड़ी चलाता था काव्या उसके मन की बात समझ गई और खुश हो गई क्या आप पहले कुछ खाना चाहेंगे यह सुनकर लेंग शाउटिंग थोड़ा अप्रसन्न हुए जाहिर है वह सड़क पर समय बर्बाद करने से हिचक रहा था लेकिन उसे चिंता थी कि काव्या भूखी थी इसलिए उसने पूछा क्या तुम्हें भूख लगी है लेंग शूटिंग की प्रतिक्रिया देखकर काव्या हंस पड़ी मैं नहीं हूं मुझे बस इस बात की चिंता थी कि तुम भूखे हो काव्या ने कहा यह सुनकर लेंग शाउटिंग को राहत मिली और फिर उसने कामुक मुस्कान के साथ कहा ठीक है मुझे भूख लगी है लेकिन भोजन मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता तुम काव्या एकदम से शर्मा गई इस बार लेंग शूटिंग हंसे काव्या को शर्माते देख उसे मज़ा आया दूसरी ओर काव्या को अब पछतावा हो रहा था आखिरकार वे होटल पहुंचे एक बार जब दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया तो लेंग शाउटिंग ने उसे दीवार के खिलाफ दबाया और उसे चूमा जबकि उसका हाथ ऊपर की ओर परिचित नरम जगह पर चला गया काव्या के पास खुद को बचाने की जादुई शक्ति थी इसलिए वह सर्दियों में ज्यादा कपड़े नहीं पहनती थी इसलिए जब लेंग शाउटिंग का हाथ उसकी त्वचा को छूता था तो वह यौन आनंद से कराने से खुद को रोक नहीं पाती थी लिंग शूटिंग ने काव्या को उठाया और तेजी से बेडरूम की ओर चल दिया बिना किसी हिचकिचाहट के लेंग शूटिंग ने अपने और काव्या के कपड़े उतार दिए जब वे दोनों बिस्तर पर थे काव्या को लेंग शाउटिंग को देखकर शर्म आ रही थी वह उसकी अगली हरकत का इंतजार कर रही थी हालांकि इतने दिनों तक खुद को प्रतिबंधित रखने के बाद लेंग शाउटिंग थोड़ा असभ्य और हिंसक हो गए थे निंग निंग क्या तुम मुझे चाहती हो लेंग शाउटिंग की गर्म सांस जो यौन इच्छा से भरी थी काव्या के कान को छू गई और काव्या और अधिक लाल हो गई वह इसका विरोध नहीं कर सकी और अवचेतन रूप से उत्तर दिया हाँ यह सुनकर लेंग शाउटिंग उत्साहित हो गया और और तेजी से आगे बढ़ने लगा काव्या दर्द से करा उठी लेकिन दर्द की जगह जल्द ही आनंद ने ले ली अगले कुछ घंटों में दोनों बार बार प्यार और संभोग करते रहे जब तक कि दोनों थक नहीं गए अगले दिन हालांकि वे कल रात बहुत देर तक सोए नहीं थे फिर भी काव्या अगली सुबह लगभग सात बजे उठ गई उसने लेंग शाउटिंग को होटल में अकेला छोड़ दिया और फिर क्लीन वाटर ब्लू स्काई की ओर जाने के लिए टैक्सी ले ली उसने लेंग शाउटिंग से कहा कि वह उन्हें लेने आने से पहले उसके संदेश का इंतज़ार करें वे वहां एक साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि इससे संदेह पैदा होगा लेंग शाउटिंग समझ गया इसलिए उसने काव्या को नहीं रोका बल्कि उसके जाने से पहले उसे बेतहाशा चुमा दरअसल वह दोबारा सेक्स करना चाहता था लेकिन वह जल्दी में थी इसलिए उसने हार मान ली और शाम को ऐसा करने की योजना बनाई एक बार काव्या टैक्सी में थी उसने गुमन को फ़ोन किया और उससे पूछा कि वे नाश्ते में क्या बनाना चाहते हैं थोड़ी देर बाद काव्या नाश्ता वापस क्लीन वाटर ब्लू स्काई स्थित अपने अपार्टमेंट में ले आई गुकविंग और गुमन ने यह नहीं पूछा कि वह कल रात कहाँ रुकी थी क्योंकि उनका मानना था कि काव्या एक नैतिक लड़की थी नाश्ते के बाद वे लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे गुकविंग और गुमान के पास पहले से ही वेन यूलान के साथ एक नियुक्ति थी और वे एक साथ खरीदारी करने से पहले दोपहर में एक साथ भोजन करेंगे आज शनिवार था इसलिए वेन यूलान खाली थी सिटी जी एक दूसरे स्तर का शहर था जो सिटी एफ से कहीं बड़ा था और वहां कई उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल थे हालांकि उनके पास खरीदने के लिए कुछ खास नहीं था फिर भी उन्हें खरीदारी करना पसंद था लगभग दस बजे काव्या ने लेंग शाउटिंग को फ़ोन किया और वेन यूलान को लेने जाने से पहले उन्हें लेने के लिए कहा गुमन और गुकिंग के सामने लेंग शाउटिंग और काव्या ने एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखी इसलिए किसी को भी उनके वास्तविक रिश्ते का पता नहीं चला हालांकि जब गुकिंग और गुमान ने उन पर ध्यान नहीं दिया तो लेंग शाउटिंग उस पर नजरें गड़ाए हुए थे और काव्या ने कई बार खुद पर नियंत्रण खो दिया था काव्या थोड़ी नाराज हुई लेकिन कुछ कह नहीं पाई कहीं गुमन को पता न चल जाए जब वे वेन युलान को लेने गए तो वेन युलान का मूड खराब लग रहा था युलान क्या गलत है गुमन और गुकिंग ने चिंता से पूछा किन्यांग को अभी किन्ज्यांग का फोन आया उन्होंने हमें बताया कि उनकी सेक्रेटरी के साथ उनके अफेयर का खुलासा हो गया है और लिजुआन उनसे तलाक लेना चाहती है वह चाहता था कि हम लिजुआन को ऐसा करने से रोकने में उसकी मदद करें लेकिन आखिरकार यह उसकी अपनी गलती है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते वेन यूलान ने गुस्से में कहा यह सुनकर गुकविंग और गुमन भी अप्रसन्न हुए गुकविंग ने कहा हम सभी ने भी इसके बारे में सुना है मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इस झंझट में न पड़े और उन्हें खुद ही इससे निपटने दें ठीक है हम इस वजह से नाराज नहीं हैं बल्कि किन्जियान ने हमसे उसके लिए आपसे पैसे उधार लेने के लिए भी कहा क्योंकि उसकी कंपनी अब मुश्किल से चल सकती है हमने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसने हमें गाली दी वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है वेन यूलान ने कहा यही असली कारण था कि वेन यूलान का मूड खराब था वह समझ गई कि गो किन्जियान अपनी कंपनी को चालू रखने के लिए कुछ पैसे उधार लेना चाहता था लेकिन वह समझ नहीं पाई कि उसने उनसे उसके लिए कई मिलियन युवा उधार लेने के लिए क्यों कहा उनके इनकार के बाद गु गुकिंज्यांग ने उन्हें शपथ भी दिलाई थी जो पूरी तरह से अस्वीकार्य था इसके अलावा वेन यूलान और गु गोकिन्यांग को अब गु गोकिंज्यांग पर भरोसा नहीं था उन्होंने सोचा कि गु शायद उन्हें कभी वापस भुगतान नहीं करेगा भले ही उन्होंने उसके लिए पैसे उधार लिए हों वे महज सामान्य लोक सेवक थे और उनके लिए कई मिलियन युवा का भुगतान करना असंभव था इसके अलावा अगर गु गुकंज्यांग का परिवार काव्या के प्रति अच्छा होता तो काव्या उनकी मदद करने को तैयार होती हालांकि गुकिन्यांग के परिवार ने भी गुमन के साथ अशिष्ट व्यवहार किया था लेकिन उन्होंने उसे बहुत अधिक चोट नहीं पहुंचाई थी और समय पर अपना रवैया बदल लिया था इसलिए काव्या अभी भी उनके प्रति उदार थी गुकन्यांग के परिवार ने काव्या की संपत्ति के कारण नहीं बल्कि उसकी क्षमता और शक्ति के कारण अपना रवैया बदला इसके अलावा उन्होंने यह भी देखा कि करीबी रिश्तेदारों का होना कोई बुरी बात नहीं है गुमान ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा हम उन्हें पैसे उधार नहीं देंगे लेकिन हम उन्हें भूख से मरते हुए भी नहीं देखेंगे यह सुनकर काव्या को राहत मिली गुमन को आखिरकार पता चल गया कि एक ही समय में सख्त और कोमल कैसे होना है ठीक है जाने दो चलो साथ मिलकर कुछ मजा करें बुकिंग ने तुरंत विषय बदल दिया दोपहर के भोजन के बाद लेंग शाउटिंग ने हमेशा की तरह बिल का भुगतान किया और उनका समूह बाद में एक शॉपिंग मॉल में गया यह निर्विवाद सत्य था कि दुश्मन अक्सर एक दूसरे का रास्ता पार कर जाते हैं वेन यूलान शायद ही कभी इस शॉपिंग मॉल में जाती थी क्योंकि वह इतनी अमीर नहीं थी हालांकि जब आखिरकार उसे यहाँ आने का मौका मिला तो उसकी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई नेहसंदेह उसे वह व्यक्ति पसंद नहीं आया वह एक आदमी था जिसकी उम्र लगभग पैंतीस वर्ष थी वह सादे चेहरे वाला थोड़ा मोटा था उसने डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने थे लेकिन वह बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहा था इसके बजाय उसके पास एक परवेणु की हवा थी एक एक परवेणु एक विनम्र मूल का व्यक्ति है जिसने धन प्रभाव या प्रसिद्धि प्राप्त की है ओह क्या यह मेरा पुराना सहपाठी वेन युल नहीं है बरसों हो गए वह व्यक्ति वेन यूलान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत उसका अभिवादन किया हालांकि वह दयालु नहीं बल्कि अहंकारी लग रहा था जब वेन यूलान ने उस आदमी को देखा तो वह बहुत अप्रसन्न हुई और उसे घृणा महसूस हुई चलो दूसरे रास्ते पर चलते हैं वेन यूलान ने उस आदमी से बचने की कोशिश करते हुए मन से कहा फिर भी उस आदमी ने वेन यूलान को जाने नहीं दिया और उसके रास्ते में खड़ा रहा क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती और आप दिखावा कर रहे होंगे क्योंकि मैं झांग शुनलिन अब एक गरीब बच्चा नहीं हूँ बल्कि करोड़ों युवाओं की संपत्ति वाला एक अमीर आदमी हूँ और आप एक साधारण लोक सेवक मुझे दोबारा देखकर शर्मिंदा महसूस करते हैं ऐसा लग रहा था जैसे वेन यूलान ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह गरीब था हालांकि काव्या को कोई विवरण नहीं पता था लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि यह सच है वेन यूलान सुंदर थी और यह असंभव था कि वह सादे चेहरे वाले छोटे मोटे आदमी को पसंद करेगी जब तक कि वह अंधी न हो वेन यूलान गुस्से में थी झांग शुनलिन बस मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है इसलिए कृपया मुझसे दूर रहो